नींद अच्छी लेनी है यदि, तो मेरी 5 बातें ऐसी मान लीजिए, सुन लीजिए, जो आपको करनी चाहिए, रात की रूटीन में इसे शामिल करिए, ये अच्छी लाइफस्टाइल है। और 5 ऐसी चीजें जिन्हें अगर आप अवॉइड करें तो उतना ही अच्छा रात के समय। सबसे पहले है, रात को आप थोड़ी शरीर की मालिश हल्के हाथों से, कोई भी सरसों का तेल, तिल का तेल लेकर के बैठ जाइए, शरीर गर्म रहता है सारा दिन, तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं। इसकी मालिश करने से हल्के हाथ से आराम मिलेगा, पैरों के तलवों में कर लेंगे अगर, तो आपके शरीर के अंदर से एक्स्ट्रा जो वायु है नस नाड़ियों में वो रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। आपका दिमाग भी एक संदेश प्राप्त करता है कि सब शांत हो रहा है, विचार निकल जाएंगे दिन भर के, किसी से कुछ लेना देना, कहना सुनना सब। दूसरी चीज क्या करनी है, आप हल्का सा गुनगुना दूध जरूर पीजिए, इससे नाड़ी धीमी होती है दूध पीने से, इसलिए दूध सुबह मना किया जाता है। बच्चों को तो पीने की मनाही नहीं है, लेकिन बुजुर्गों को 40 साल के बाद के लोगों को रात को पीना चाहिए दूध, दिन में नहीं। गुनगुना पियेंगे तो नाइटफॉल आदि नहीं होगा पुरुषों को, और अगर वो दूध गैस करे तो उसमें हल्का सा दशमूल का अर्क 4 चम्मच मिला लें। आपको किसी भी आयुर्वेद के स्टोर पे दशमूल का अर्क मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं भी इसको बनाता हूँ, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है, नींद ला देता बिना गोली के। तो नाड़ी धीमी होगी, शांति से नींद आ जाएगी। तीसरी चीज जो करनी चाहिए वो है, दूध पी लिया, अब आधा घंटा हो गया, मुंह में गर्मी नहीं रही, गर्म नहीं रहा, अब नॉर्मल मंजन लेकर के उसमें थोड़ा सरसों का तेल या तिल का तेल जो भी मिलाना मिला के मंजन कर लीजिए। मसूड़ों की मालिश से आंतों को आराम मिलता है, आंतें मजबूत होती हैं, और मसूड़ों की मालिश से हमारे जो, जब हमारे मुंह से हम ताजी हवा फिर से जाने लगती है, एक बॉडी को संदेश मिलते हैं। सुबह भी आपने अपनी शौच की सफाई की, रात को भी जब करेंगे, नींद के लिए आप तैयार करते हैं अपने आप को, ये एक तरीका है। अब आप इसे कहेंगे जी साइंटिफिकली समझाओ क्या है ये, जस्ट रिलैक्सेशन है, स्टिमुलस है, बॉडी को स्टिमुलस देने हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जहां से आपको रिलैक्सेशन फील हो। दिन भर की रूटीन से आपने कोट उतार दिया, शर्ट उतार दी, लेकिन आपने थॉट्स तो नहीं उतारे ना, थॉट्स उतार के कहां रखे, विचार निकाल कर कहां रखे, कहीं नहीं रखे, दिमाग एज इट इज एक्टिव है, उसको भी लाइट करना है, वो इन्हीं चीजों से होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने कमरे की लाइटें धीमी कर दें, सफ़ेद लाइट कम कर दें, मोबाइल के अंदर भी सफ़ेद लाइट कम कर दें, कंफर्ट मोड लगा दें, कमरे में भी हल्की वार्म वाइट लगा दें लाइट, बहुत धीमी धीमी कैंडल लाइट कर दें। जितनी लाइट कम होगी, प्रकृति अगर चाहती तो एक सुबह का सूर्य बना देती, एक रात का सूर्य बना देती, कि भाई पहले से ही सब एडवांस रहो, किसी को जरूरत ही नहीं है, 24/7 सप्लाई रहेगी भगवान की तरफ से, लेकिन भगवान ने 24/7 सप्लाई नहीं दी, क्योंकि उसका एक कारण है, हमारे शरीर को, हमारी चमड़ी को पता चल जाता है कि बाहर लाइट है, इतना हम रात को सोए होते हैं, अचानक सुबह होती है, हमारी आंखों के थोड़ा ऊपर रोशनी पड़ती है, आंखें बंद हैं, लेकिन आंखों को पता चल जाता है कि सुबह हो गई, ये समझने की बात है। आपको धीमी लाइटें करेंगे ये भी एक आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसके बावजूद अगर कभी कभी बैठे हैं, नींद नहीं आ रही, कम आई है अभी, तो कोई कहानी सुनिए, पढ़िए, लॉजिक वाली नहीं, यूं ही बस ख्यालों वाली, सपनों वाली दुनिया, कुछ ग्रंथों का अध्ययन, कुछ ऐसी जो आपके माइंड को सूद करे, रिलैक्स करे, उसमें हल्का सा हास्य रस हो, हल्का सा उसमें तनाव को कम करने का कोई रस हो, उस कविता में, उस कहानी में, तनाव देने का नहीं, तनाव कम करने का, सपनों की दुनिया में आपको ले जाए, ऐसी चीजें पढ़ सकते हैं, कोई पोएट्री, कोई हिस्ट्री, कोई रियल टाइम कोई चीजें, तो आपको बहुत मदद करेगी। धीमे धीमे पढ़ेंगे, तेज नहीं पढ़ेंगे, और ऐसी सुरीली आवाज में कि आपकी बॉडी को, आप जो बोल रहे हैं वापस आपके कानों में अंदर जा रहा है, तो वो इतना धीमा हो कि आपके कान कहे कि इतना धीमे क्यों बोल रहा है ये, मतलब कि अब रात होने वाली है, तो आपको नींद आने लगेगी।
देखिएगा आप करके देखिएगा, जो पांच चार चीजें जो नहीं करनी उसमें है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करनी। ये नहीं कि रात हुई तो आप खाना खा के दौड़ पे निकल गए हैं कि मैं वर्कआउट करके आता हूँ। 100 में अगर 10-20 लोगों को फायदा होगा भी, चलो उनको ज्यादा एक्टिविटी करके रात को नींद आ गई, लेकिन ज्यादा समय नहीं चलेगा, ये हर किसी को नहीं चलेगा। इसलिए अपनी बॉडी को पहले अच्छे से देख लीजिएगा, कईयों को एक्टिविटी फिजिकल करके नींद और उड़ जाती है, तो मेंटल एक्टिविटी भी नहीं करनी है। यानी कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कौन सी चीज मेरी कहाँ रखी है, गुम हो गई, किसी को फोन पे लगा के काम लग गए, दिमाग खर्च करने लग गए, नहीं, मेंटल एक्टिविटी भी कम करिए। हो सके तो मसाले स्पाइसेस तीसरे नंबर पे ये नहीं करना है, मसाले वगैरह नहीं खाने हैं ज्यादा तेज। आपने अगर हैवी चीजें खानी है, सुबह दोपहर खाओ, शाम तक खाओ, सूर्य ढलने तक खाओ, रात को हल्की खिचड़ी गाय का घी डाल करके, मलहम लग जाएगी आपके, जो दूध नहीं पीते रात को गाय का घी डालकर खिचड़ी खा लेंगे यदि, या कोई सूप पी लेंगे, दाल ही बना के पतली पतली पी लेंगे, दाल चावल ले लेंगे अगर कफ नहीं रहता है तो, आराम मिलेगा पेट को गाय के घी वाला, वो जो पेय पियेंगे तो, लिक्विड सी डाइट लेंगे तो पेट को हिलने डुलने में भी आसानी रहेगी। अगर आपने हैवी फूड खा लिया, सॉलिड रोटियां, सोच के देखिए पेट को कितना जरूर मतलब वर्जिश करनी पड़ेगी, आप लेटे हुए हैं, रोटियां मेल्ट करनी है, घोल के उसको पेस्ट बनाना, पेट को कितना जोर लगेगा, अंदर से पेट ऐसे ऐसे हिलेगा, तो आपको क्या कहने का मतलब, आते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं, कई कुछ होता है अंदर, तो आपको कहाँ नींद आएगी, अच्छी आएगी भी तो सपने आएंगे, इसलिए लिक्विड डाइट। फिर अंत में क्या नहीं करना कि आप हो सके तो ये ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना, सोशल मीडिया जितना कम हो सके, दिन में एक दो टाइम रखें, फिक्स टाइम पे आप जरूर चीज़ों को चेक करें, देखें, अपडेट करें अपने आप को, और एक समय के बाद उनका समय ओवर कर दें बस, फिर देखिएगा आप, आपका जीवन कितना मंगलमय, कितना सुगंधित, कितना योगिक हो जाता है। मुझे आप याद करेंगे कि सच में मेरी ज़िंदगी में दो चार बातें ऐसी मुझे कह गया कि अब सच में मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बड़ी पूरी सी है, अधूरी नहीं है, शांत है, सरल है। मुझे आप भले ही याद करें ना करें, लेकिन आप दूसरों को बताते फिरेंगे कि इतना मुझे सुकून है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान और ज़्यादा स्वस्थ सुखी बने, और इसी भावना के साथ मैं अपने गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान, अपने अनुभव से सीखी हुई चीज़ें मैं आप तक पहुँचाता ही रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोटा अनाज, श्री अन्न मिलेट्स, जो कि वजन नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। और बदल बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूं चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है, आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर घर पहुँचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार ज़रूर मंगवाएँ और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।